नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऐसे करें माँ का स्वागत और ऐसे करें नवरात्रि में माँ का पूजन, तो आपके ऊपर कृपा बरसेगी। अगर जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो अंत तक देखते रहें। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे, ऐसे टिप्स और ऐसे उपाय लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब कर लें। नौ शब्द संख्यावाचक शब्द हैं। रात्रि अर्थात नवानांग, रात्रिणांग, समाहार इति नवरात्र, ऐतिहासिक रूप से नवरात्र विजय उत्सव है जो देवी द्वारा मधु, कैटभ, महिषासुर, रक्त बीज, चंड मुंड, शुंभ निशुंभ, धूम्र लोचन आदि राक्षसों को मारकर उन पर विजय प्राप्त करने की उपलब्धि में मनाया जाता है। नवरात्र में घट स्थापना, शक्ति पूजा में घट कलश की स्थापना विधि विधान से की जाती है। घट स्थापना का पूजा में विशेष महत्व है। घट पवित्रता व समृद्धि का सूचक है। पहले दिन ही इसकी स्थापना होती है। काली मिट्टी से बनते हैं वेदी, तो देख जानिए कैसे बनते हैं काली मिट्टी से वेदी। स्थापना से पवित्र काली मिट्टी से वेदी बनाई जाती है और वेदी पर जौ या गेहूं के दाने बोए जाते हैं। जौ धान्यों का राजा कहलाता है और जौ वर्धनशील मंगलिक के साथ हरियाली की समृद्धि का प्रतीक है। वरुण का आह्वान, काली मिट्टी की वेदिक पर मिट्टी या धातु का कलश जल भरकर रखते हैं और पंच पल्लव व श्रीफल रखकर वरुण देवता का आह्वान करते हैं। वरुण पाश मुक्ति करते हैं, इसलिए माता को सम्मुख घट की स्थापना की जाती है। मातृका और नवग्रह पूजन, शक्ति पूजा के रूप में गणेश, अंबिका, षोडश मातृका और नवग्रह की पूजा होती है। ग्रहों के अनुकूल अनुकूलता माता की प्रसन्नता, ऐश्वर्य, समृद्धि प्रदान करती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। अखंड दीप से दूर होता है वास्तु दोष। देवी की प्रसन्नता हेतु अखंड दीप ज्योति जलाई जाती है। यह अंधकार को दूर कर प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करती है। इससे घर में वास्तु दोष भी दूर होता है। कैसे करें पूजा? चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ भगवती का चित्र या मूर्ति यंत्र शुभ मुहूर्त में स्थापित करें। नव दुर्गा का चित्र श्रेष्ठ रहेगा। पूजा पंचोपचार, पूजा के दस उपचार, 16 उपचार या राजोपचार विधि से भी की जा सकती है। चंड पाठ का विशेष महत्व होता है। इसे पांचवी वेद भी कहा जाता है। इसमें 3 चरित्र, 13 अध्याय और 700 महामंत्र हैं। इसका पाठ 3 भागों में भी कर सकते हैं। इससे चारों पुरुषार्थ और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवान मंत्र, शुद्धता पवित्रता के साथ यदि नवान मंत्र का 108 बार जाप किया जाए तो भी देवी की कृपा होती है। नवान मंत्र की साधना किसी योग्य साधक की देखरेख में ही करनी चाहिए। ये है नवदुर्गाएं, शैलपुत्री, महा ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धात्री। ये है 10 महाविद्याएं, काली, तारा, छिन्न मत्ता, छिन्न मस्त,
षोडशी भुवनेश्वरी त्रिपुर भैरवी धूमावती बगलामुखी मातंगी कमला। खास है 10 दिन का नवरात्र, शारदीय नवरात्र इस बार खास है। 1 अक्टूबर से शुरू यह हो रही नवरात्रि 9 की जगह 10 दिन की होगी। नवरात्रि 1 दिन बढ़ना शुभ है। इस वर्ष माँ दुर्गा के साथ 10 महाविद्या की स्थापना की साधना भी की जा सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आप भी जान गए होगी कि कैसे माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपके मन में कोई भी सवाल इस वीडियो से चल रहे हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल देसी घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे, टिप्स और ऐसे उपाय लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन में को सरल और सुखमय बनाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक्साइटिंग वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।